फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो मैंने इसके कीवर्ड की वीडियो अपलोड कर चुकी है ऑलरेडी, आप जाकर उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज हम सब पढ़ेंगे एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स को पहले हम लोग देखते हैं, उसमें भी फर्स्ट पार्ट है द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन अ ह्यूमन आर डैश 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 एंड डैश। तो उसका आंसर होगा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एडिशन। तो मैंने आपको बताया था ह्यूमन बींग्स में जब हम लोग न्यूट्रिशन भी कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं, सबसे पहले हम लोग उसको इंजेशन करते हैं, मतलब उस चीज़ को हम लोग अपने बॉडी के अंदर उसको लेते हैं, मतलब टेक करते हैं, खाते हैं। फिर डाइजेशन, उसको हम लोग डाइजेस्ट करते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब उसमें जितने भी विटामिन मिनरल्स वगैरह होते हैं उन सबका हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है। फिर एसिमिलेशन होता है, मतलब वो हमारे इंटेस्टाइन्स वाले पार्ट से निकल कर वो लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में जाता है। फिर डाइजेशन होता है, मतलब वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अ ह्यूमन बॉडी इज टेस्ट। तो जो लार्जेस्ट ग्लैंड है किसमें, ह्यूमन बॉडी में, कौन सा है, वो हमारा एक लीवर होता है। थर्ड है द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डस्ट टेस्ट विच एक्ट ऑन फूड। जो हमारा स्टमक होता है वो हमारे स्टमक में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो रिलीज होती है, और क्या रिलीज होता है, जिससे हमारा फूड जो होता है उसके डाइजेशन सही से होती है, तो उसमें डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है। फोर्थ है द इनर वॉल ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आउटग्रोथ कार्ड। तो उनको हम लोग विलाई कहते हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, इनकी प्रोजेक्शन जो है फिंगर की तरह होती है, हमारी उंगली जैसी होती है वैसे ही इनका शेप एंड साइज होता है। फिफ्थ है हमारा कि अमीबा डाइजेस्ट इट फूड इन दी डैश। जो अमीबा होता है वो अपना फूड जो होता है फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट करता है। तो अमीबा के पास सीडोपोडिया होता है जिसके थ्रू वो अपने फूड को, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है और फूड को अपने डाइजेस्ट करता है। फिर हम लोग ट्रू और फॉल्स देखते हैं। उसमें फर्स्ट है डाइजेशन ऑफ अ स्टार्च स्टार्ट इन अ स्टमक। तो हमारे जो स्टार्च होते हैं उनका जो डाइजेशन होता है वो स्टमक में होता है, बिल्कुल नहीं होता है, फॉल्स है। सेकंड है द टंग हेल्प इन द मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, ट्रू। जो सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में होती है वो सलाइवा रिलीज करती है, जो टंग होता है वो हमारे फूड को उसमें मिक्सअप करता है और सलाइवा के साथ मिक्स करता है, ये ट्रू है। द गॉल ब्लैडर टेम्पोरली स्टोर बाइल, जो हमारा लीवर होता है वो बाइल जूस जो है सीक्रेट करता है, और जो एक्स्ट्रा बाइल जूस बच जाता है उसको गॉल ब्लैडर अपने अंदर उसको स्टोर कर लेता है। फिर फोर्थ है जो पहला वाला हमारा, मतलब थर्ड वाला हमारा ट्रू है। फोर्थ है हमारा द रिमेनेंस ब्रिंग वैक शोलर्ड ग्रास इन टू डियर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम्स, ये भी सही है। जैसे कि जितने भी पालतू जानवर होते हैं वो पहले वो जल्दी जल्दी घास वगैरह खा लेते हैं, फिर जब उनके पास फ्री टाइम मिलता है तो वो अपने फूड को दोबारा अपने मुंह में लेके आते हैं और उनको चबाते हैं अच्छे से, और उनको सलाइवा के साथ मिक्स कर तब अब उनका जो है डाइजेशन करते हैं, ये भी ट्रू है। जनरली इसमें आपने बफेलो को देखा होगा, काऊ को देखा होगा। थर्ड है हमारा टेक द राइट आंसर। तो ए है फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्ट इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फैट होता है ये जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है, तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो सही है। फिर नेक्स्ट है हमारा वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन। तो डैश, तो जो वाटर होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पर जाके एब्जॉर्ब होते हैं, तो वो हमारे एब्जॉर्ब होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। फोर्थ है हमारा मैच द कॉलम फूड कंपोनेंट, तो वो हमारे होंगे प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन होंगे। नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट, तो शुगर होता है वो एज अ कार्बोहाइड्रेट होता है उसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन, प्रोटीन में हमारा अमीनो एसिड होता है। फिर फैट्स, उसमें भी अमीनो एसिड होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है वॉट आर विलाई, वॉट इज दियर लोकेशन एंड फंक्शन। विलाई क्या होते हैं और इनकी लोकेशन कहाँ पे है और इनका फंक्शन क्या है। जनरली मैंने बताया था जो विलाई होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, और ये इनकी जो शेप होती है फिंगर लाइक पोजिशन होती है, और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर हमारे जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं उनके उनको जो है एब्जॉर्ब करते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लोकेटेड इन अ वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, दियर फंक्शन इज टू इनर the सर्फेस एरिया इन ऑर्डर टू मैक्सीमाइज the एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो विलाई होते हैं इनकी फिंगर लाइक पोजिशन होते हैं, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में लोकेट होते हैं, और इनका फंक्शन होता है कि सर्फेस एरिया को इंक्रीज करके जितने भी हमारे डाइजेस्टेड फूड होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है वॉट इज द बाइल प्रोड्यूस्ड
विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प इन हेल्प टू डाइजेस्ट। तो बाइल जूस जो है कहाँ प्रोड्यूस होते हैं और ये कैसे हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, इसका आंसर है बाइल इज अ फ्लूड दैट इज मेड एंड रिलीज बाय द लीवर एंड स्टोर इन अ गॉल ब्लैडर। जो बाइल जूस होता है ये फ्लूड होता है और ये हमारे लीवर में बनता है और ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये बाइल जूस होता है विद बाइल हेल्प्स विद डाइजेशन, इट्स ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड विच कैन बी टेकन इनटू द बॉडी बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक। जो बाइल जूस होता है ये जो है हमारे जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं उनमें जो फैट और फैटी एसिड होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में उनको जो है ब्रेक करता है और जिसके हेल्प से हम लोग अपने हमारे फूड का डाइजेशन बहुत सही तरह से होता है। सेवन्थ क्वेश्चन है, कहाँ हो गया यार, गड़बड़ हो गई, सेवन्थ क्वेश्चन हाँ ये है। तो सेवन्थ क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव रीजन आल्सो। तो जो है हमें वो कार्बोहाइड्रेट लिखते हैं जिनको हम जो है जो रूमिनेंट्स होते हैं जो पालतू जानवर होते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं जबकि हम ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते हैं। तो जो है यहाँ पर जो रूमिनेंट्स होंगे उसमें जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो भी आएंगे। इसका आंसर है सेलुलोज बिकॉज एंजाइम्स विच डाइजेस्ट सेलुलोज आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो सेलुलोज एक ये जो लीव में प्रेजेंट होते हैं ये जो है उन बिकॉज जो सेलुलोज होते हैं जो एक जो इनको जो है एक एंजाइम जो डाइजेस्ट करता है वो ह्यूमन बींग के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये रेमिनेंट्स के अंदर ही एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो इनके सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। सो वो हमारा सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है। एट्थ क्वेश्चन है व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, हम ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी कैसे पा जाते हैं। इसका आंसर है बिकॉज इट इज इजली ब्रेक डाउन इन अ सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन विच प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर एनर्जी की स्पेलिंग मिस्टेक है, जी गायब है, आप उसे सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो जो है जो सेलुलोज होता है ये हमारे सेल के साथ बहुत जल्दी इजिली जो है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इजिली ये डाइजेस्ट होता है, इजिली ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। सो ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसका एग्जाम्पल जस्ट लाइक ग्लूकोन डी आप लोग गर्मी पीते हैं ना, वही है, एक ग्लूकोज है। नाइन्थ क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ अ डाइजेस्टिव कैनल इन्वॉल्व्ड इन, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो इसमें होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को एब्जॉर्ब करने में। सेकंड है च्यूइंग ऑफ फूड, तो इसमें बकल कैविटी हमारे टीथ वगैरह उसमें टंग वगैरह यूज होंगी। फिक्स नेक्स्ट है किलिंग बैक्टीरिया, तो इसमें स्टोमक, क्योंकि स्टोमक में क्या होता है एक खतरनाक एसिड, क्या होते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें आती है। अगर रियल में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप अपने हाथ में लेंगे ना तो आपके हाथ में ना आर पार हो जाएंगे, उसमें होल हो जाएंगे आपके हाथ में, ऐसे आप हाथ को सामने लेके आएंगे ना आपको सामने की दिखने लगेंगी, ये छेद कर देता है सब में, होल कर देता है। लेकिन सोचिए ज़रा कि जो हमारे स्टोमक में ये HCl होता है तो हमारे स्टोमक में अभी तक होल काहे को नहीं हुए, क्योंकि स्टोमक में एक म्यूकस लेयर होती है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो HCl को अपने अंदर जो है उनको होल नहीं करने देती है। तो हमारे स्टोमक के अंदर म्यूकस एक लेयर होती है जो HCl से प्रोटेक्ट करती है। फिर है कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फूड, तो हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर है फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, तो फॉर्मेशन ऑफ फेसेस वो हमारे होंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर टेंथ क्वेश्चन है राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स, तो हमें एक सिमिलरिटी और एक डिफरेंस बताना है किसमें, अमीबा में और ह्यूमन बींग्स में। तो सिमिलरिटी देखते हैं, जो अमीबा और ह्यूमन बींग्स होते हैं ये दोनों जो है हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेन और दूसरों से अपने न्यूट्रिशन लेते हैं, और जबकि इनका जो डिफरेंस होता है ह्यूमन बींग्स हैव कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डिफरेंट न्यूट्रिशन आर डाइजेस्टेड इन अ सेपरेट रीजन। ह्यूमन बींग्स के पास एक कॉम्प्लेक्स एक जटिल डाइजेशन सिस्टम होता है, ये फूड को अच्छी तरह डाइजेस्ट कर सकते हैं और इनके डाइजेशन के लिए पर्टिकुलर सेपरेट रीजन है, ऑर्गन है बॉडी में, जबकि अमीबा के पास ऐसा कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, वो न्यूट्रिशन को अपने फूड वैक्यूल में ही डाइजेस्ट करते हैं, मैस द कॉलम करते हैं। फिर है स्लेवरी ग्लैंड, तो इसमें होगा सेलिवा सीक्रेशन, स्टमक में
एसिड रिड्यूस द कौन सा एसिड? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. लीवर जो होता है ये बाइल जूस सीक्रेट करता है. रेक्टम जो होता है ये अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है. सबको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, ये यहाँ पर हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है. लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है. 13th क्वेश्चन है, कैन बी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स ग्रास डिस्कस. क्या हम लोग केवल सूखे जो है कच्चे हरी वेजिटेबल खाकर घास खाकर जिंदा रह सकते हैं? इसका आंसर है वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफ वेजिटेबल बिकॉज वी कैन नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट विटामिन प्रोटीन एक्सेट्रा. हम सभी लोग कच्चे लीफी पत्तीदार वेजिटेबल्स खाकर जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमें प्रॉपर हमें जितने भी न्यूट्रिशन की नीड पड़ती है विटामिन कार्बोहाइड्रेट की प्रोटीन की, वो सभी चीज़ें हमें इनसे मिलती नहीं हैं. सो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो.